गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज लेसन नसरुद्दीन्स एम यूनिट थर्ड ऑफ इंग्लिश। ठीक है, नसरुद्दीन्स एम। सो स्टार्ट रीडिंग नसरुद्दीन्स एम। One day Nasruddin was chatting with his friends. एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ chatting means बातचीत कर रहा था। He began to boast, वो कुछ no one can match my skill in archery, कि कोई भी archery means जो तीरंदाजी है, धनुर्विद्या है। Began to boast means boasting means होता है शेखी मारना, शेखी बघारना। ठीक है, बोल रहा था कि कोई भी मेरा धनुर्विद्या में या तीरंदाजी में मुकाबला नहीं कर सकता, मैच माई स्किल, जो मेरी कुशलता है उसमें उसका मुकाबला नहीं कर सकता। स्किल मैंने कुशलता। आई स्ट्रिंग द बो, टेक एन एम एंड शूट एन एरो। मैंने जो बो है, अपना जो तीर का धागा है उसको खींचा और उसमें अपना एम एरो लगाया और उसको शूट पर छोड़ दिया, निशाने पर। ऊश, ये साउंड, ऊश ये साउंड प्रोड्यूस होती है एरो के द्वारा। ठीक है, द एरो इज श्योर टू हिट बैंग ऑन द टारगेट। जो एरो है वो श्योरली टारगेट को, एम को, लक्ष्य को हिट करेगा। हियरिंग दिस वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इमीडिएटली ब्रॉट अ बो एंड सम एरोज। ये बात सुनकर वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसका एक दोस्त तुरंत, इमीडिएटली मैंने तुरंत, एक धनुष बाण ले आया। वो मैंने धनुष और एरोज मीन्स तीर, वो मैंने जो कमान होती है तीर, एरोज मीन्स धनुष, बाण, बाण। गिविंग देम टू नसरुद्दीन ही सेड, हियर नसरुद्दीन टेक दिस बो एंड एरोज। उसको वो सौंपते हुए, देते हुए वह बोला, उसका फ्रेंड नसरुद्दीन, हियर नसरुद्दीन, यहां ये लीजिए, टेक दिस बो एंड एरोज, इस धनुष और बाण को लीजिए। Then pointing towards a target, he said, "Aim at that target and shoot an arrow." एक टारगेट, एक निशाने की तरफ, लक्ष्य की तरफ इशारा करते हुए वह बोला, "Aim at that target, उस निशाने पर तीर लगाओ। नसरुद्दीन held the bow in his hands, उसने धनुष को अपने हाथ में पकड़ा, strung it and aimed at the target and shoot an arrow. उसको स्ट्रंग इट, उसको खींचा अपने लक्ष्य की तरफ, एंड शूट एन एरो, और तीर को चला दिया। वू, ये साउंड, वू साउंड प्रोड्यूस बाय एरो। द एरो डिडंट हिट द टारगेट, जो एरो था, जो तीर था, वो टारगेट पर नहीं लग सका। इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल, वो टारगेट को हिट करने की बजाय, इंस्टेड मीन्स की अपेक्षा, रस्ते में ही कहीं गिर गया। समवेयर इन द मिडल, रस्ते में, हा हा हा। His friend started laughing. उसके जो मित्र थे, जो दोस्त थे, वो सब हंसने लगे। They said, "Hey Nasruddin, is this your best aim?" वे बोले, अच्छा नसरुद्दीन, क्या यही आपका बढ़िया निशाना था? Oh no, नहीं नहीं, not at all, said Nasruddin. नसरुद्दीन बोला, नहीं। Defending himself, this wasn't my aim. It was Azad Sen. I just showed you how the Azad shoots an arrow. वो बोला कि ये मेरा निशाना नहीं था, ये तो आज़ाद का निशाना था। मैं आपको दिखा रहा था कि आज़ाद कैसे निशाना लगाता है। ठीक, ये मेरा नहीं था, क्योंकि वो टारगेट को हिट नहीं किया, रास्ते में कहीं गिर गया, इसलिए अपने अपने बचाव करते हुए उसने ये स्टेटमेंट दी, ऐसा वाक्य बोला। Saying this, Nasruddin picked up another arrow. ये कहते हुए नसरुद्दीन ने एक दूसरा तीर उठाया। पिक्ड मैंने उठाना, अनदर एन मैंने दूसरा, एरो मीन्स तीर, उसने दूसरा तीर उठाया। वंस अगेन, एक बार दोबारा, ही स्ट्रंग द बो, उसने उसको एम्ड एट द टारगेट एंड शूट द एरो, दोबारा उसने तीर को अपने बो में, अपने कमान में लगाया, एम्ड एट द टारगेट, और निशाना लगाया टारगेट की तरफ, शूट द एरो, और एरो को चला दिया। दिस टाइम द एरो फेल अ लिटल फर्दर देन वेयर इट हैड फॉलन बिफोर। इस बार, इस समय क्या हुआ, इस बारी में वो जो तीर है,
ठीक है, वो जो तीर है वो थोड़ा पहले वाले से थोड़ा आगे गिर गया, जहाँ पहले गिरा था उससे थोड़ा लिटल फर्दर देन वेयर इट वा वेयर इट हैड फॉलन बिफोर, जहाँ वो पहले गिरा था उससे थोड़ा आगे गिर गया। बट इट सर्टेनली डिडंट हिट द टारगेट, लेकिन उसने निश्चित ही टारगेट को हिट नहीं किया था। दे आस्क्ड नसरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, आप कैसा ये तीर चलाते हैं। ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यू नसरुद्दीन, नहीं नहीं, इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, ये निशाना भी मेरा नहीं है। इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम, ये तो चीफ गार्ड्स का एम है, उनका निशाना है, वो कैसे चलाते हैं मैं वो दिखा रहा था। नाउ समवन रिमार्क्ड, किसी ने कहा, वेल नाउ हुज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, अब उसके किसी दूसरे मित्र ने कहा, अच्छा अब किसका निशाना दिखाओगे। हियरिंग दिस, ये सुनकर ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग, सभी दोस्त जो है हंसने लगे, सभी दोस्त हंसने लगे उसका ये बात सुनकर। नसरुद्दीन डिडंट से ए वर्ड, नसरुद्दीन ने कोई शब्द नहीं बोला। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, उसने एक और तीर उठाया। एंड अगेन एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, द एरो हिट बैंग ऑन द टारगेट, इस समय नसरुद्दीन भाग्य से वो जो एरो है उसने टारगेट को, लक्ष्य को हिट कर दिया। लकीली द एरो हिट द टारगेट। Everybody stared at Nasruddin, their mouth agape in amazement. सभी लोग जो हैं वो नसरुद्दीन की तरफ stared at, मतलब उसकी तरफ एक टक्की लगा कर देखने लगे, घूर कर देखने लगे, और सबका मुंह जो है वो हैरानी से खुला रह गया। Before anyone could say anything, Nasruddin said triumphantly, बड़ा ही उसने एक Before anyone could say anything, इससे पहले कि कोई कुछ कहता, नसरुद्दीन सेड ट्रम्फेंटली, डिड यू सी दैट, इट वॉज माई एम, बड़े ही उसने एक विजयी अंदाज में कहा, आपने देखा, इट वॉज माई एम, ये मेरा लक्ष्य था, ये मेरा निशाना था। ठीक है, ओके, सभी को प्लीज रीड दिस स्टोरी ट्वाइस एंड अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स। ओके, थैंक यू।